सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क व फिरोज खान सपा जिला अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज से की अपील, घरों में रहकर पढ़े नमाज और तरावी, रोजा इफ्तार पार्टी से करें परहेज। घरों में रहकर ही रोजे इफ्तार करें, कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते शासन प्रशासन के निर्देशों का करें पूरी तरह से पालन, रमजान के चलते प्रशासन से भी नरम रवैया रखने की गुजारिश। मैं डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क MP संभल आपसे मुखातिब हूँ। मुस्लिम भाइयों से मौद्देवाना अपील है, रमजान शरीफ का मुबारक महीना हमें आवाज दे रहा है कि हम बुरे कामों से परहेज करें और रोजा नमाज की पाबंदी करें, लेकिन बदकिस्मती से इस मर्तबा रमजान शरीफ का महीना कोरोना वायरस के माहौल से घिरा हुआ है और सारे मुल्क में लॉकडाउन है। ताकि इस वबा से बचने के लिए हम अपने घरों में एहतियात से रहें, मास्क बांधें, बेज़रूरत बाहर न निकलें, भीड़ न लगाएं। सारी दुनिया बहुत नाजुक और ख़तरनाक दौर से गुजर रही है, जिससे बचने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के ममालिक इस वबा से निजात पाने के लिए अंतक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इस अहम मौके पर हमें सबको मिलकर काम करना है और हमें उन गरीबों और बेसहारा लोगों का भी ख्याल रखना है जो भूख के कगार पर हैं और उनके बच्चे दूध को तरस रहे हैं। हमें रात की तनाइयों में गिड़गड़ाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना है। ये वक्त सियासत का नहीं है, लेकिन फिर भी नफरत की हवाएं चल रही हैं। हमें बहैसियत इंसान के हर छोटे बड़े इंसान को अपना फर्ज समझकर मदद करना है। इसमें हम सबकी और मुल्क की भलाई है, लेकिन इस मौके पर मेरी मुसलमान भाइयों से बहुत ही अदब से अपील है कि वो जैसे 5 आदमियों के साथ नमाज बाजमात अदा कर रहे थे, वैसे ही नमाज और तरावी मस्जिद में अदा करें और बाकी सब लोग अपनी नमाजें और तरावी अपने अपने घरों पर ही पढ़ें और रोजे का इफ्तार भी अपने घरों पर ही करें, ताकि लॉकडाउन की भी खिलाफ वर्जी न हो और नमाज भी अदा हो सके। हमारे उलमाए किराम ने भी यही हिदायत की है कि नमाज और तरावी घरों पर अदा की जाए और रोज़ा भी अपने घरों पर इफ्तारें और इफ्तार पार्टी भी न करें। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि वो भी अपने फराइज की अदायगी में नरमी से काम लें, ताकि निज़ाम भी ठीक रहे और अपने मिशन में भी कामयाब हो सकें। फिरोज खां, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद संभल, आज आपको रमजानुल मुबारक हमारे बीच में आ गए हैं, चांद दिख गया है। मैं रमजानुल मुबारक के मौके पर आप लोगों को, सभी जनपद वासियों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं
और इस उम्मीद के साथ कि हर साल हमारे बीच में रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आता है, इबादतों का महीना है। हम लोग 300 दिन रोज़े रखते हैं और रात को नमाज ईशा के बाद तरावी होती हैं और तरावी इस बार भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से मस्जिदें भर जाया करती थी, मस्जिदें बाहर लोग निकल जाया करते थे, बाहर आ जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे बीच में ये महामारी कोरोना वायरस से यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया इससे दहल गई है, हमारे देश में भी इसने दस्तक दे दी है। तो इससे बचाव के लिए हम लोगों को इस बार एहतियात करते हुए जो इसकी दवाई है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, इसकी दवाई है सिर्फ हमारे हाथ में है, हमारे पास है, हम घर में रह करके अपनी हिफाजत करेंगे और लोगों की भी हिफाजत कर सकते हैं। तो घर में रह कर ही इबादत करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे और तरावी भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। और मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा और हमने की भी है कि रमज़ान मुबारक के मौके पर बहुत लोगों की ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं, खाने पीने से लेकर के दुकानदारों का, और ईद का मौका आता है तो मेरे व्यापारी भाई और भी लोग जो कारोबार करते हैं वो खुश हो जाया करते हैं। लेकिन इस बार हमारे बीच में ये महामारी कोरोना की वजह से जो भयंकर रूप से चल रही है, इससे एहतियात के लिए हम लोग घरों पर हैं और त्यौहार भी जो पीछे बीते हैं, चाहे शिवरात्रि हो या और भी पर्व रहे हों, होली का हो या ये ईद का हमारे बीच में आएगा, तो हम लोगों को बहुत एहतियात बरतनी है। प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि रमज़ान को देखते हुए रोज़दारों का सम्मान हमेशा हर वर्ग के हर समाज के व्यक्ति ने किया है। हमारे यहाँ बहुत प्यार की भावना है लोगों में, प्यार का गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। तो मैं चाहूँगा कि संभल में जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो दुकानदारों से लेनी है, प्रशासन उसमें हर एक व्यक्ति का, संभलवासी का ख्याल रखते हुए पूरी मदद करेगा। हम लोग भी प्रशासन की मदद करेंगे, पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे, कहीं ऐसी नौबत नहीं आने देंगे जो हम किसी से उलझे बेवजह या कोई हमसे उलझे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। मैं फिर पुनः एक बार सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग का, डॉक्टर्स का, जो हमारी जान बचाने में इस वक्त अपनी जान को जोखिम में डाले हैं, कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवा दी है, कई पुलिस के लोग भी चपेट में आ गए हैं। तो सबका ध्यान और सबकी हिफाजत करते हुए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ास करके ये भी गुजारिश करूँगा प्रशासन से कि बिजली का ज़्यादा ख़ास तौर से ध्यान रखें ताकि रोज़दारों को समय पर रोज़ा अफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त और जो ज़रूरत का बिजली का समय होता है उस पर बिजली मिले, सफाई व्यवस्था अच्छी रहे और बेवजह किसी काम से अगर ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, नहीं तो घर पर रह के पूरी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इबादत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और अपने भारत की, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और इस महामारी को भगाने के लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कोरोना से हम जंग ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला और माहे इस रमज़ान की दुआओं से ही ये भाग जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।